A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by me by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, aaj Sunday hai. Log ghar mein baith ke intezar kar rahe hain kab Karachi Stadium se jo hai wo ye match shuru ho jayega. Kab? आज उनकी उम्मीद है ना, संडे है तो हो सकता है कि आज आपको क्राउड दिखे, कोई इम्पैक्ट नजर आए. बिकॉज एक बस जो है ना, हम चाह रहे थे कि जब फर्स्ट लेग से सेकंड लेग तक पहुंचे तो कराची में एक ना क्राउड सा हो, रोड्स पे नजर आए बैनर्स. लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस बार पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या किया है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर मार्केटिंग ही नहीं है. वो सब एक साइड पे, क्योंकि अब ब्लेम गेम भी है ना कि कोई कह रहा कि ये तो इंतजामिया को चाहिए था. लेकिन एक साइड पे ये शोर भी है कि भाई कराची में हो रहा था तो कराची किंग्स को तो एटलीस्ट अपनी कैंपेन तो अच्छी करनी चाहिए थी. सो ये डिस्कशन होती रहेंगी जब तक पीएसएल है, तब तक डिस्कशन यू नो इट इज गोइंग टू बी इन द डिस्कशन. बट इट इज गोइंग टू बी 19th नंबर ऑफ मैच बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान. जनाब याद रहे कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त टेबल टॉपर हैं, और अगर हम बात करें कराची किंग्स की तो जनाब लाहौर कलंदर से थोड़ा सा ही ऊपर है वो. सो लेट्स सी आज बाउंस बैक करते हैं कि नहीं. लेकिन अगर हम पॉइंट टेबल पे क्विकली यू नो इफ वी गो थ्रू द पॉइंट्स टेबल, सो मुल्तान सुल्तान हैज प्लेड 6 मैचेस. They have won 5, lost 1 with the points of 10, having a net run rate of 1.154. Then we have Cotton, Quetta Gladiators, number 2. Jinab, they have played 6 matches, won 4, lost 1 with the net run rate of 0.313 and with the 9 points. Then we have Cotton, Peshawar, Zalmi, Jinab, they have played 6 matches, won just 3 matches. Then we have Cotton, Islamabad United, Jinab, 6 matches khele, 2 Jinab jeete, 3 haare. Then we have Cotton, Karachi Kings, 5 matches khele, 2 jeete, 3 haare, having a points of 4, having a net run rate of 0.460. and then सबसे जो बॉटम ऑफ द टेबल है जनाब, वो लाहौर कलंदर्स है. कोई मैच जीत ना पाए, बल्कि एक मैच ना खेल के उनको एक पॉइंट मिल गया था. ये सारी डिस्कशन होती रहेंगी. लेकिन अगर हम देखें हेड टू हेड कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान का, जनाब 12 मैचेस इनके बीच में हुए प्रीवियसली, और जनाब कराची किंग ने 6 मैचेस जीते, मुल्तान सुल्तान ने भी, तो हिस्ट्री के एतबार से यू नो 50-50 ही चांसेस है. लेकिन अगर हम इस साल देखें मुल्तान सुल्तान को, हम कैप्टनसी पे यू नो गुफ्तगू करें, तो सबको लग रहा है कि बहुत ही काम कंपोज कैप्टन जो है वो हमें नजर आया है मोहम्मद रिजवान. गुफ्तगू शुरू हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो क्या मोहम्मद रिजवान इज गोइंग टू बी द कैप्टन. ये सारी चीजें इफ्स एंड बट्स पे हैं. जब तक पीएसएल खत्म नहीं होता ये गुफ्तगू चलती रहेगी. विद मी हियर आई हैव बीन जॉइंड बाय टू अमेजिंग क्रिकेट माइंडसेट. जी हाँ, एक तरफ आई हैव बीन जॉइंड बाय द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम. हम बात कर रहे हैं सलीम मलिक साहब के. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग. अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आई एम वेल. और मस्टर्ड यू पहन के आए हैं हमारे फॉर्मर पेसर, जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम. क्या बात है, हमारे कलर जो है ना वो बड़ा मजा आता है इस सेट पे जो ह्यूज है. एक तरफ मेरा पर्पल कलर, मोव कलर, आपका येलो मस्टर्ड. सो जेंटलमैन, आज संडे है, कितनी एक्साइटमेंट है. कराची और मुल्तान का मैच है. सर आपको लगता है कि आज कराची बाउंस बैक कर सकता है अपने ही होम ग्राउंड में? कर सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. मगर अगर आप टीमों को देखें तो मुश्किल नजर आता है. उसकी रीज़न ये है कि देखें, एक ही उनका प्लेयर था, वो भी शादी पे चला गया है इंडिया, पोलार्ड जो इम्पैक्ट डाल सकता था. बाकी अगर उनकी मुल्तान की टीम को देखें तो वो कंप्लीट, जैसे हम कहते हैं कि एक पैकेज है. और एक उन्होंने और जॉर्डन को ज्वाइन किया है, शायद आज मेरे ख्याल वो भी खेलेगा. तो अगर आप टीम को देखें तो कराची बहुत वीक नज़र आती है टीम. मगर चूंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में ऑन अ डे कोई भी प्लेयर अच्छा खेल सकता है तो वो टीम जीत सकती है. मगर अगर आप टीमों को देखें तो मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान बहुत बेहतर टीम उनसे नज़र आती है. इसमें एक चीज़ मैं यू ज़रूर ऐड करूंगा कि इसमें ना मुल्तान सुल्तान चूंकि टॉप कर रही है, तो इसको ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, अगर कोई भी अच्छा कैप्टन होगा तो वो अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ना वो ज़रूर चांस देगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं. बाकी प्लेयर्स जो बाहर बैठे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, और मेरा रिजवान में एबिलिटी है कि वो उसको चांस लेना चाहिए. मे बी हो सकता है कि वो ना भी ले. उसकी रीज़न ये है कि ये कोशिश करेगा कि मैं टॉप पे रहूं ताकि मुझे 2 मैचेस मिले. तो ये एक है इशू जिस पे वो शायद ना चांस ले. मगर इवन देन उसकी टीम मुल्तान की बहुत स्ट्रांग टीम है. अगर वो एक आध नया लड़का खिलाता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को कोई फ़र्क पड़ेगा. तो इसलिए
ऑन ए पेपर मुल्तान सुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां पे ही जस्ट मेंशन अबाउट पोलार्ड, हम लोग के लास्ट मैचेस में देखे तो पोलार्ड बड़ा इंपैक्ट लेके आ रहे थे, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी कमिटमेंट थी, आई एम श्योर पहले की कमिटमेंट होगी, अंबानी की यू नो बेटे की शादी है, साकादे की शादी है, एवरीबॉडी इज देयर। अगर हम भारत के क्रिकेटर्स की बात करें, उनके सास की बात करें, पोलार्ड की कमी बाकी थी, वो भी चले गए हैं, तो वैसे ये उनका ना होना और किसी और की इंक्लूजन होना, वो कोई और भी अगर होगा सर तो वो कौन होगा? प्लेइंग 11 अभी तक आई नहीं हमारे पास, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कौन इंपैक्ट लेके आ सकता है इफ नॉट पोलार्ड? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की चीज़ होती है, जो मैनेजमेंट होती है किसी भी फ्रेंचाइज की, तो उन्होंने पहले ही तय किया होता है कि उसकी रिप्लेसमेंट पे हमारे पास कौन सा प्लेयर होगा। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पोलार्ड जिस एज में और जिस तरह खेल रहे हैं वो काफ़ी अरसे से, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भी उनका रेस्ट थोड़ा बनता है, तो अगर वो एक आध मैच में उन्होंने रेस्ट किया, जिस तरह आपने देखा कि पास्ट मैचेस में विंस ने रेस्ट किया था और बाकी जो प्लेयर्स हैं, हेल्स ने इस्लामाबाद से रेस्ट किया, उसके बाद जो स्लीम भाई ने अभी बात की है, तो मेरा ख्याल कि सबसे अच्छी चीज़ वो रिजवान की है कि रिजवान ने अपने सिर्फ एक हैंड्रिक्स को खिलाया था अपनी टीम में और बाकी जितने भी यंगस्टर थे उन सबको खिलाकर उसने लाहौर से मैच जीत लिया। तो इसीलिए इस तरह ये जो बात आप कह रहे हैं कि पोलार्ड की, तो मेरा ख्याल है कि कराची को भी अगर पोलार्ड को रेस्ट कराती है या एक मैच में वो शादी पे चले जाते हैं तो इससे इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि और प्लेयर्स हैं, अभी डुप्लाए लास्ट मैच नहीं खेला, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसके बाद विंस ने जिस तरह लास्ट बैटिंग की वो अच्छी फॉर्म है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इनका कम्बिनेशन है बेसिकली टीम का वो नहीं बन रहा, जब तक इनका आपस में कम्बिनेशन नहीं बनेगा उस वक्त तक इनका जीतना बड़ा मुश्किल होगा। मुल्तान का डिफरेंस ये है कि मुल्तान का कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, उसकी टीम एक रिदम में या विनिंग कम्बिनेशन उनका बना, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिजवान ने साथ जेल किया हुआ है और उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन से बच्चे को किस जगह पर खिलाना और परफॉर्मेंस लेनी है। जिस तरह उस्मान खान को आपने देखा है, उन्होंने खिलाया, उसने 88 रन की इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। फैसल अकरम को उसने चांस दिया और फैसल अकरम आज पाकिस्तान का हर बंदा बात कर रहा है कि इसको डेवलप करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो रिजवान है उसमें ये एक इतना उसको क्रेडिट तो जाता है कि उसने बड़े अच्छे तरीके से जो अपनी टीम है उसको जेल भी किया और जो लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको कह सकते हैं कर रहा है और टीम को उसने अच्छे तरीके से जेल किया हुआ। जहां बात हो रही रिजवान की कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस को वो देख रहे हैं, मैचअप्स को वो देख रहे हैं, वहीं पे हम कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में ये बड़ा प्रोमिनेंट एक मसला है कि जनाब कॉम्बिनेशंस नहीं बने। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन शान मसूद, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली जो हमने उनकी इनिंग्स देखी है, ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनी इम्पैक्ट। सो कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा, बिकॉज बहुत सारे सवाल आते हैं और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे एंड दे विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, hum dekh rahe the kis tarike se pitch report ke upar discussion ho rahi thi. We'll have a detailed discussion on that. Lekin usse pehle ki jana bada important hai ki what is Shan Masood up to? जनाब एक क्वेश्चन जो है ना, ये डिबेट शुरू हो चुकी है, अगर हम बात करें फॉर्मर क्रिकेटर्स की, तज्ज़ियाकार की बात करें, क्योंकि उनकी इनिंग्स के स्टैट्स मेरे सामने हैं, हम देखें कभी एक इनिंग में उन्होंने इसी पीएसएल सीजन 9 में जनाब 10 बॉलों में उनके 12 रन से, कहने का मतलब है कैपिटलाइज नहीं कर पाए, टॉप ऑर्डर है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप ऑर्डर आएगा, स्टे करेगा। शान किस तरीके से बाबर आजम ने जो है वो फिनिश ऑफ किया है, ही हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहीं पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची किंग्स के जो कैप्टन हैं, जो कि हमारे टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के भी कैप्टन हैं, वो भी अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज करेंगे। बट सर, आई डायरेक्टली कम टू यू, बल्कि आप दोनों से सवाल करूंगी ये कि क्या शान मसूद T20 नहीं खेल सकते, क्या वो टेस्ट क्रिकेट के ही प्लेयर रह चुके? देखिए, शान मसूद रियलाइज करना चाहिए लोगों को कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो है सिर्फ टेस्ट मैच का प्लेयर। चलें, वनडे में भी उसको आप एज दे सकते हैं कि बारी ले कर थोड़ी खेलना होता है। शान मसूद बड़ी हिट मारने वाला प्लेयर नहीं है, ये तो कराची को कैप्टन उसको बनाने से पहले सोचना चाहिए था। जो हम बार बार कहते हैं कि जो इनके थिंक टैंक हैं, सलमान को ये सोचना चाहिए या जो भी उनके लोग सिलेक्शन के लिए होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि शान अच्छा प्लेयर है टेस्ट मैच के लिए, ठीक है लंबी बारी लेता है, मगर T20 का वो प्लेयर है ही नहीं। तो जब आप T20 के प्लेयर को टेस्ट मैच वाले को T20 में खिलाएंगे तो फिर आप स्ट्रगल तो करेंगे। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था
केस की दो प्रॉब्लम है। जब मुल्तान सुल्तान ने कराची स्टेडियम में पहले बैटिंग की थी अगेंस्ट कराची किंग्स, ये बात है जनाब पीएसएल 2020 की बात एग्जैक्टली। तो जनाब मुल्तान सुल्तान आए और बल्लेबाजी की, 141 जो है ना टोटल इन्होंने स्कोर किया था और 7 विकेट इनकी गिर चुकी थी। अब आज क्या होता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है, टेबल टॉपर तो है, लेकिन जनाब 214 रन जो है ना इन्होंने टोटल स्कोर कर रखा है। अभी तक तो किसी ने इनका जो ये मुकाबला है ना वो ब्रेक नहीं किया है। तो सर आज आई एम श्योर ये उस तरह से स्कोर तो नहीं होगा, लो होगा, लेकिन कितना होगा लो? देखें पिछला मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं क्योंकि ब्रेक आ गई थी। मैंने उस वक्त भी इसके बारे में कहा था कप्तान के शान के कि इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये स्लो खेलता है और पावर प्ले ज़ाया कर देता है, और फिर जब पावर प्ले से आप फ़ायदा नहीं उठाते तो आप ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एक फिर आप प्रेशर में आके विकटें गिरती हैं, और विकटें जब गिरती हैं तो फिर आपकी टीम पे प्रेशर पड़ता है। तो इस वजह से शान मसूद जो है वो T20 का हम बार बार कहते हैं उसका स्ट्राइक रेट, याद आपको हमारे कप्तान के लिए कहा करते थे, तो उस ये इसकी भी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लो खेलता आके, तो ये टीम के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए इसको T20 में मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए इतना अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया तो मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा उनके खिलाफ कोई बात करने को, मगर चांसेस जो उनके हैं T20 में, जिस तरीके भाई ने बात की है कि उनकी जगह नहीं बनती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट फार्मेट में हम डिफरेंट लोगों को चूज़ करते हैं मगर उनकी उन फार्मेट में जगह नहीं बनती। उससे ये होता है कि एक तो ऐसे प्लेयर्स का अपना नुकसान होता है, उसके बाद पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाता है। हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखते, पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत पीछे कहीं रह जाता है। हमने वर्ल्ड कप में भी आप देखे कि इमाम उल्लाह को हमें खिलाना पड़ा, उसकी जगह नहीं बन रही थी, और फिर उसके बाद हमें चेंज करके दोबारा जो हमारे जैनमन थे उन पर आना पड़ा। फिर इसी तरह जो पास्ट T20 वर्ल्ड कप उसमें भी बात कम अज़ कम 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी जगह नहीं बन रही थी, हम फोर्सली उनको साथ लेकर गए, उनकी जगह बनाई। अब शान मसूद का प्रॉब्लम देखे कि उन पर पहले ही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क उनकी टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन सिलेक्शन पे आ रहा है कि उनका कंटिन्यूस 20 इनिंग्स का फेलियर रहा, उसके बावजूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन है वो, वहाँ पर उनके पे एक प्रेशर था। अब देखे कि एक बंदा ऑलरेडी एक प्रेशर के अंडर है, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान 3-0 से सीरीज हार गया, उसके बाद वापस आए हैं, आपने दोबारा उनको पकड़ा और एक ऐसी फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जिसमें उनकी जगह ही नहीं बन रही। आप देखें कि T20 फॉर्मेट ठीक है, गुड प्लेयर है, टेक्निकली अच्छे होंगे, मगर इस फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं बन रही। अभी भी जो उनकी मेरा ख्याल है जो मैंने लास्ट 2 मैचेस देखे हैं वो अपनी टीम पर बर्डन है। अगर वो उनकी जगह पे सिफर्ट खेलते या डुप्लाई खेलते, विंस के साथ वो ओपन करते तो कराची का रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो सकता था, मगर क्योंकि ये आते हैं प्रेशर बिल्ड होता है, स्कोर नहीं कर सकता जो सर्कल में, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपनी टीम पे प्रेशर बिल्ड करते हैं और आउट होकर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इनको कवर अप करनी पड़ेगी, या तो इनको अपनी जगह प्रूव करने के लिए एक ऐसी इनिंग खेलनी पड़ेगी जो जस्टिफाई कर दे कि इनकी जगह वाकई बनती है, ये सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जितवाएं और मगर रऊफ अब तो इतना प्रेशर बिल्ट हो चुका हुआ है कि 5 इनिंग्स में से स्कोर नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप टीम के लिए तो कभी भी नहीं खेलेंगे, आप अपने लिए खेलेंगे आप अपना एटलीस्ट प्रूफ करने के लिए कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, आप कुछ स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जब आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है कि आप पावर प्ले ज़ाया करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आप टीम के लिए खेलो या फिर अपने लिए खेलो, तो मेरा ख्याल टीम के लिए खेलना ही चाहिए, टीम के लिए खेलना ज्यादा बेहतर है। स्कोर प्रेडिक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे, व्हाट इज योर टेक ऑन इट जनाब? मुल्तान सुल्तान पहले बल्लेबाजी कर रही है, कितना स्कोर ये ऑन बोर्ड कर लेंगे? ये देखे इसमें सिर्फ मुल्तान इसको कराची को सिर्फ एक एडवांटेज है उसका एडवांटेज ये है कि मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच खेल रही है कराची में, और कराची ऑलरेडी पहले 2 मैचेस खेल चुकी है, बेशक वो हारी है मगर क्लोज हारी है जाके ना, तो इनको सिर्फ एक एडवांटेज है कि उनको स्पिन का, चूँकि वो मुल्तान और लाहौर खेल रहे थे वहाँ सीम विकटें थी उन पे वो एडजस्ट किए हुए थे, यहाँ आके एकदम सिनेरियो चेंज होना है, और थोड़ा सा जो एज मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा शायद कराची को एज हो के, क्योंकि वो ब्रेक पे खेल चुके हैं, टर्निंग पे उनको थोड़ा सा आइडिया है, मुल्तान को इसका आइडिया नहीं, वो पहला मैच खेल रहे हैं और पहली बारी ले रहे हैं, तो शायद कुछ शायद थोड़ा बहुत चांस कराची का मुझे नजर आ रहा है। अच्छा जहां हम ये बात करें वहां पे व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑफ द स्कोर टुडे बाय मुल्तान सुल्तान?
देखिए गुड लक तो ये हो गया कि रिजवान टॉस जीत गए हैं और मेरा ख्याल है कि एनीथिंग दैट विल अबव एक्सीड मोर देन 165 रन्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कराची। अच्छा नहीं 165 जो है मुल्तान सुल्तान कर लेंगे। उसने कहा नहीं कि हमारे लिए जो ब्रेक चीज रिकॉर्ड ब्रेक है वो 165 को ब्रेक करना है, तो 165 अगर मुल्तान ब्रेक कर जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि कराची के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सर आपकी क्या प्रेडिक्शन? देखें ये एक कैप्टन खुद अपने मुंह से ही कह रहा है कि मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा तो शायद मैं जीतूंगा, तो उसका आप अंदाजा कर लेना कि वो ऑलरेडी प्रेशर में है। तो मुल्तान सुल्तान अगर वाकई 670 के करीब कर जाती है तो वो 65 से ऊपर तो जा ही नहीं रही। तो आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान 165 ही करने वाली है प्रेडिक्शन? ये नहीं, क्योंकि मैं लिख रही हूं, हम आएंगे 11 बजे डिस्कस करेंगे किसकी प्रेडिक्शन सही है। देखे मुल्तान सुल्तान की एबिलिटी और उनकी अगर बैटिंग ऑर्डर देखे तो कराची से बहुत स्ट्रांग है। इनका एक प्लेयर था पोलार्ड वो चला गया जो नीचे से आके अच्छी हिटिंग करता था, तो बाकी अगर आप कंपेयर करें तो आपको सीधा सीधा नजर आता है उनके 2-3 प्लेयर हैं। शुएब वो वैसे नहीं बड़ी हिट नहीं मारते, कप्तान खुद नहीं हिट मारता, और अगर आप मुल्तान सुल्तान की तरफ चले जाएं तो हर प्लेयर आपको नज़र आता है, इवन नीचे से इफ्तिहार आके बहुत अच्छी नहीं खेल जाता, तो उनकी टीम को अगर कंपेयर करें तो मुल्तान बहुत स्ट्रांग टीम नज़र आती है, और अगर थोड़ा सा उनको पार्टनरशिप मिल गई तो ये 170 के क्या वो 200 भी कर जाएंगे। 200 आप क्या कह रहे हैं? 165 200 कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह रहा। अदरवाइज 170 तो मेरा ख्याल है वो क्रॉस करेंगे। 170 ठीक है जी, 170 प्लस कहा है सलीम साहब ने, 180 रऊफ साहब ने कहा है। अब ये ऑन रिकॉर्ड ने लिख लिया, देखते हैं कि किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। 200 भी कर सकते हैं। अच्छा अब बात 170 से लेके 200 तक पहुंच गई है। वैसे सर वाकई अब तक ये हुआ नहीं है कराची में, आप देखते हैं कि नहीं, आप देखें ना शान मसूद ने कहा कि हम पिछले मैचेस में 15 रन शॉर्ट रहे, अगर हम 15 रन करते तो हम मैच जीत सकते थे, तो 165 में अगर आप 15 रन ऐड करें तो एग्जैक्टली कितना बनता, 180 बनता। हाँ, और अगर आप उन्हीं के ऐड कर लें शान मसूद के, अगर वो खेल लेते तो क्या ही बात होती, पर उनसे ना हो पाया। ये कर लेंगे। अच्छा हमारे पास टाइम है अभी या हमें ब्रेक पे जाना है? आप लोग कुछ कह रहे थे। अच्छा मीनवाइल आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन, अभी अगर हम बात करें क्रिकेट फ्रेटर्निटी की, एक क्वेश्चन रेज हो चुका है, एवरीबडी इज पॉइंटिंग आउट ऑन शोएब मलिक कि क्या ही इनका लास्ट सीजन होगा, जिस तरह से आके बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। सर व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इसमें कोई शक नहीं कि उनका आखिरी ही होना चाहिए, इसलिए कि उनकी एक तो एज फैक्टर है, और इस वो बेशक लोग हैं कि बहुत फिटनेस का ख्याल रखता है, मगर एक सर्टन एज होती है उसके बाद आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। आप उसका रन आउट देख लें, हालांकि वो बड़ा फुर्तीला है, तेज़ है, मगर वो रन आउट में भी देखें, ये एक एज में ना जब रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो जाते हैं ना, तो आपकी आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें आपके वो बॉडी साथ नहीं देती। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है, तो अब उसकी एज ऐसी हो चुकी है, मेरा ख्याल उसको खुद ही इस सीज़न के बाद अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए। जेंटलमैन व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा कि आप जो इंटरनेशनल रूल्स हैं आपको भी उनको फॉलो करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं। आप देखें कि अगर आईपीएल में सचिन तेंदुलकर को उन्होंने एक वे दिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाकियों से खेलने का, तो उसकी कोई वजह थी, उनके कोई रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिनको उन्होंने ब्रेक करना था और दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना था। इसी तरह अगर जैक कैलिस को लिंगर राउंड किया तो उसके बड़े रिकॉर्ड्स थे जिसको उसने आइंदा आने वालों के लिए उससे वो ये तो T20 है ना, टेस्ट मैच तो नहीं है। लेकिन T20 में तो देखे सलीम भाई बिल्कुल ही यंग लेग्स होने चाहिए ना। हाँ, नहीं, वो आपके तो बिल्कुल जो यंग लड़के होने वो बच्चे हैं उनको इस फॉर्मेट में जो यंग ब्लड है उसको ट्राई करना चाहिए, जो ओल्ड है उनका तो T20 में बिल्कुल किसी जगह पे भी बनता ही नहीं है। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Thori deer mein janab, 7 baje match shuru ho jayega. Toss humne dekha kis tarike se Multan Sultan ke jo captain hai, iske par unhone kaha ki hum aaj ballebazi karenge. Aur aaj unka pehla match hai. Aur abhi awaaz aa rahi hai mujhe crowd ki, to okay, my team will tell you what's happening, but I want to know कि आज कराची का कितना क्राउड गया है, अगर मेरी टीम मुझे बता दे या दिखा दे, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि कराची आज तो गए होंगे,
लोग जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी ना तो लोग जरूर जाएंगे। एनीवेज जहाँ, हाँ अगर फुटेज हो तो दिखा दीजिएगा। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि किस तरीके से भारत के जो लिविंग लेजेंड्स हैं वो खेलों का हिस्सा बनते हैं, वो खेलते हैं। तो सर, यू आर हैविंग अ डिस्कशन कि शोएब मलिक को क्यों रेस्ट करना चाहिए, उनको अब क्यों नहीं खेलना चाहिए? देखिए, बेसिकली अगर आप किसी को खिलाते हैं एक्स्ट्रा, किसी को एज देते हैं, ज़्यादा खिलाते हैं, तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना, बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो आपने 10,000 रन करने हो या आपने कोई और हॉलमार्क सेट करना हो, तो फिर तो ठीक है, आप उसको एक्स्ट्रा चांसेस दे सकते हैं। मगर जब आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर आप जो पुराने आपके प्लेयर्स हैं, इसके अलावा मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि 3-4 प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ डेब्यू किया था। तो जब आपका स्टैंडर्ड ये होगा, आप इतने पुराने लोगों को उठाकर अपनी PSL में खिलाएंगे, तो आपके जो यंगस्टर्स होंगे, बच्चे होंगे, वो कब डेवलप होंगे, उनको कब चांसेस मिलेंगे? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, हम तो ग्रास रूट के लोग हैं, हमें तो पता है कि बेशुमार पाकिस्तान में टैलेंट है। इसलिए भाई ने पीछे ट्रायल लिए हैं, मेरा ख्याल है कि इनके ट्रायल्स में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ट्रायल्स में कोई 10 बच्चे ऐसे होंगे जो इन सबसे बेहतर हैं जो PSL खेल रहे हैं। तो जब ये लोगों का स्लॉट खाली होगा तो फिर ही आगे बच्चों की जगह बनेगी। और ये T20 जो फॉर्मेट है, ये बेस्ट फॉर्मेट है जहाँ पे आप यंग ब्लड को ट्राई कर सकते हैं, जो एनर्जेटिक बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका आई साइड तेज होती है, आपके रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, आप यंग एज में होते हैं, आप फील्डर अच्छे होते हैं, तो फिर आप इस T20 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आपकी सारी रिफ्लेक्सेस, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, सारा सिस्टम आपका डल होता जाता है। तो उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की कोई 1% भी कोई रीज़न बनती है कि आप इतने जो एक्स्ट्रा एज के लोग हैं उनको पाकिस्तान की PSL में उसको ट्राई आउट किया जाए। सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नहीं, देखें रऊफ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मगर पिछले साल तक ना उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, वो अच्छा स्कोर कर रहा था, फिटनेस लेवल उसका ठीक था। मगर बात हम वही कर रहे हैं कि जब आपकी कोई गोल्स नहीं है आगे सेट, जैसे रऊफ ने बात की कि लोगों को चांस दिया गया, जैसे तेंदुलकर या उनकी बात की है, वो एक टेस्ट मैच था, उसके लिए तो आप चांस दे सकते हैं। मगर T20 में जो जैसे रऊफ बात कर रहे हैं कि यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इस साल उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसको अगले साल के लिए ना किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए। अच्छा, जहां बात हो रही है यंगस्टर्स की, वहां पे कराची किंग्स की जनाब बॉलिंग होगी पहले, सो हु इज योर प्लेयर टू वॉच फ्रॉम कराची किंग्स? देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आया लास्ट मैच में मैंने मजरबानी को बॉलिंग करते देखा, तो पहली दफ़ा मुझे कोई किसी फास्ट बॉलर का बॉलिंग यहाँ पे करते हुए स्पेल अच्छा लगा, और मुझे मैंने पूरा उसको एंजॉय किया। इससे पहले मुल्तान में या लाहौर में हमारे फास्ट बॉलर्स ने जरूर बॉलिंग की है, मगर वो कंडीशंस बहुत, और ये मुजरबानी बाहर बैठा हुआ था, और ये हैरत की बात है, सलीम भाई ने बताया ये बाहर बैठा हुआ था, और जो हमारे मीडियम पेसर थे वो उसकी जगह पे खेल रहे थे, यानी कि वो एक क्या लड़के का नाम था इमरान, वो खेल रहा था, अनवर अली और अमीर हमजा खेल रहे थे, और ये बाहर बैठा हुआ था। तो और इसने जिस तरीके से बॉलिंग की, और इसने, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का जो करंट टेस्ट का सबसे इस वक्त जो हमारा अमर्जिंग प्लेयर है साउथ शकील, उसको जिस तरह इसने बॉलिंग करके उसको आउट किया, मेरा ख्याल है कि वो आउटस्टैंडिंग था। आज उनकी बॉलिंग देखनी पड़ेगी, और उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है, जो उनके फास्ट बॉलर हैं स्पेशली मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी, उन्होंने मुल्तान में वहाँ पे कंडीशंस को यूटिलाइज़ किया, अपनी फेवर में अच्छी बॉलिंग की है। आज उनका कंपटीशन होगा मुजरबानी और मीर हमजा के साथ, तो यहाँ पे आज पता चलेगा कि ये जो पिच है जो कि फास्ट बॉलर के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उस पर कौन सा बॉलर बेहतर। अगर आप रऊफ ये देखो, इनका दिमागी लेवल चेक करो कि मुजरबानी जहाँ गीली विकटें थीं और जहाँ फास्ट बॉलर को हेल्प मिलनी थी, वहाँ इसको इन्होंने वो हुड पहन के बेचारा बाहर बैठ के मैच देख रहा था, पता नहीं इनको क्या क्या कहता होगा। और कराची जैसी विकेट पे उसने अच्छी खासी पेस निकाली है, इन्होंने वहाँ उसको नहीं खिलाया कि इनके ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नहीं, कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस प्लेयर को किस जगह खिलाना है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कप्तानी बहुत मैटर करती है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका, आपने किस पिच पे किस प्लेयर से फ़ायदा लेना है। तो इनको यही नहीं पता, तो फिर तो इनको T20 में नहीं होना चाहिए, जो बार बार कहता हूँ नहीं होना चाहिए। और जारी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे कराची किंग्स की, जो प्लेइंग 11 वो भी आ चुकी है, शान मसूर, टिम सिफर, जेम्स विंस, शोएब मलिक, डिप्लॉय, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इरफान खान, हसन अली, जाहिद महमूद, मीर हमजा एंड मुजरबानी। अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, ऑफकोर्स स्किपर रिजवान है, हेंड्रिक्स हैं उस्मान खान, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, उसामा मीर, मोहम्मद अली एंड फैसल अकरम। सो दिस इज द प्लेइंग 11 दैट वी हैव।
देखिए अभी उन्होंने बात की थी शान मसूद ने कि हमारे कुछ प्लेयर्स को प्रॉब्लम हुई थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी, इस वजह से हमने कुछ चेंजेस किए। मेरा नहीं ख्याल कि ना लास्ट मैच में उसका कोई इफेक्ट हुआ और ना इस मैच में उस वजह से चेंजिंग हुई है। लास्ट मैच में भी परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस थी और इस मैच में भी परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस हैं। पोलार्ड नहीं, उनके बाद जो डुपला है सबसे बेस्ट है वो आ गए, उसके बाद अनवर अली ने परफॉर्म नहीं किया, उसकी जगह पे वो अमीर हमजा आ गए और जायद महमूद खेल रहे हैं और इरफान खान न्याजी वापस आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी परफॉर्मेंस बेस्ड और अच्छी चेंजिंग है, इसका कोई फर्क नहीं है कि कौन उनका किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है या नहीं हुई। मुल्तान के लिए अलबत् बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनका फास्ट बॉलिंग कंपटीशन बहुत सख्त था। आज जॉर्डन भी आ गए हैं मगर उन्होंने दोबारा विली को, मोहम्मद अली और मेरा ख्याल है कि अब्बास को उन्होंने शामिल किया और यंग फैसल अकरम, ये सलीम भाई जिस तरह आप बात कर रहे थे कि फैसल अकरम को देखें कि रिजवान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है कि इस पिच पे जहाँ पर मेरा ख्याल है कि उसकी जगह मेरे ख्याल में तो नहीं बन रही थी मगर उन्होंने उसको चांस दिया और एक अच्छी बैटिंग लाइन के खिलाफ अली माजिद को भी इनको चांस लेना चाहिए था, उसको भी देना चाहिए था। किसको देना चाहिए था? अली माजिद एक अमर्जिंग इनका स्पिनर है, उसको भी देना चाहिए था। और ये मेरा ख्याल है कि कैप्टन में सबसे ये चीज विजन उसका देखना चाहिए कि वो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे ग्रूम करता, साथ लेकर चलता और उनको प्रॉपर और फेयर चांसेस अगर वो देता है तो वही सही तरीके से टीम को लीड कर सकता है। जनाब बात हो रही है जो कैप्टन है, जो आपका स्किपर है, वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से जो है वो लीड कर सकता है कि कराची की पिच पे मुल्तान सुल्तान कैसे जो है वो आज बल्लेबाजी करते हैं। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग और आपसे मुलाकात होगी 11 से 12 विद मी। थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन द शो। जाते आते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।